नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी के रोहनिया अपना दल एसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के निर्देशानुसार जिला इकाई वाराणसी की ओर से कनेरी मोहन सराय स्थित अपना दल यश जिला कार्यालय पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री रेखा वर्मा तथा जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल एवं प्रदेश सचिव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने संयुक्त रूप से शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाया, जिसके दौरान विश्वकर्मा समाज के शिल्पकार आकाश विश्वकर्मा को अंगवस्त्र के साथ माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत वाराणसी के सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दिया और ईश्वर से उनकी दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर मुख्य रूप से अजीत पटेल, लीना वर्मा, अनिता पटेल, राकेश यादव, ओम प्रकाश सिंह, राजकुमार वर्मा, आदर्श, इंद्रजीत, अवधेश, मोहन गिरी, सूरज, सियाराम पटेल सहित पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। आज अपना दल एस वाराणसी इकाई के कार्यालय पे हम लोग हमारी राज्य मंत्री श्रीमती रेखा पटेल जी और हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल जी की अगुवाई में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 74वें जन्मदिन और आज संयोग की बात है कि इसी दिवस पे विश्वकर्मा पूजा का भी आयोजन हमारे देश में होता है, तो आदि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के भी जन्म उत्सव को हम लोगों ने विधिवत मनाया है। हमारे साथ आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री अजीत पटेल जी, राकेश यादव जी, रीना पटेल जी, अनीता पटेल जी और हमारे जोन अध्यक्ष आदर्श जी के साथ ही हमारे जिला इकाई के और विधानसभा इकाई के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार मनाने का काम हम लोगों ने किया है। और आज हम लोग कामना करते हैं कि हमारे देश का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलता रहे और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद सदा हमारे समाज पे बना रहे, यही कामना हम लोग आज। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।